हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी पाचन तंत्र में दो एलिमेंट होते हैं, दो तरह के स्ट्रक्चर्स को हम इंक्लूड करके और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल और पाचक ग्रंथियां दोनों मिलकर और डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाती हैं। एलिमेंट्री कैनाल के हमने जितने जो संरचनाएँ थी, जितने अंग थी, उनकी भी बात की थी, फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी की थी और डायग्राम की फॉर्म में भी की थी। अब बात आ जाती है उन सारे एलिमेंट्स को या उन सारे स्ट्रक्चर को, सारे ऑर्गन्स को डिटेल से स्टडी करना। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मानव में पाचन तंत्र की। तो पाचन तंत्र जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो दो संरचनाओं से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल के साथ में हम किसको ऐड करते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को इंक्लूड करते हैं। ये दोनों मिलकर एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। मानव के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस प्रकार का होता है, कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि जो आपके एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ टू एनस, है ना, मुख से लेकर और गुदा तक फैली हुई होती है, जिसमें हमने सारे एलिमेंट्स को स्टडी किया डायग्रामेटिक फॉर्म में कि सबसे पहले मुख कहाँ जाकर खुलता है, मुख गुहा में, फिर ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, फिर आंत्र, आंत्र में छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र, और छोटी आंत्र के फर्दर तीन पार्ट हमने बात की थी, कौन कौन से, ड्यूडनम, जेजनम और ईलियम, और जो बड़ी आंत्र जी उसके भी तीन पार्ट, सिकम, कॉलन और रेक्टम, और एट लास्ट वो गुदा द्वार के माध्यम से कहाँ खुल जाती है, शरीर के बाहर खुल जाती है। अब बारी आती है उन्हीं सारे एलिमेंट्स की बात करने की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर मुख की। सबसे पहले हम बात करने वाले माउथ या फिर मुख की, ठीक है ना। अब देखिए माउथ है क्या, तो ये रहा माउथ, हमको पता है, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो माउथ को आपको कैसे डिफाइन करना है वो ध्यान में रखें कि इसको डेफिनेशन कैसे बनाओगे। तो दो ओष्ठ के द्वारा या दो होठों के द्वारा गिरा हुआ अनुप्रस्थ छिद्र, दो होठों के द्वारा गिरा हुआ अनुप्रस्थ छिद्र क्या कहलाता है, होठों द्वारा गिरा अनुप्रस्थ छिद्र जो है वो आपका मुख कहलाता है। और मुख से संबंधित आपको मसल्स ध्यान में रखनी है कि हमारे होठों में जो मूवमेंट होता है, हमारे होठों में जो गति होती है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सी मसल्स है, तो ऑर्बिकुलेरिस मसल। कौन सी मसल होती है, ऑर्बिकुलेरिस मसल होती है, ठीक है ना। तो ऑर्बिकुलेरिस मसल के माध्यम से हमारे होठों के अंदर गति होती है, जो बोलने के लिए या फिर खाना खाने में, है ना, इनके लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। तो मुख के बारे में तो इतनी सी बात, लेकिन ये मुख अंदर की ओर जाकर किस में खुलता है, तो ओपन इनटू बकल कैविटी, किसके अंदर खुलता है, बकल कैविटी के अंदर, यानी मुख गुहा में जाकर खुलता है। तो ये तीन पॉइंट्स आपके मुख के बारे में हो गए। होठों के द्वारा, दोनों ओष्ठ के द्वारा, दोनों होठों के द्वारा गिरा हुआ अनुप्रस्थ छिद्र क्या कहलाता है, आपका मुख कहलाता है। और होठों के अंदर कौन सी मसल्स होती हैं, तो ऑर्बिकुलरिस मसल्स होती हैं। और ये जो मुख है वो अंदर की ओर जाकर एक कैविटी में खुलता है, एक गुहा में खुलता है, उस गुहा को हम क्या कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं। अब आ जाता है दूसरा एलिमेंट। तो दूसरा एलिमेंट यहां पर देखें आप, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाता है आपका दूसरा वाला, जिसको आप कह रहे हैं यहां पर बकल कैविटी।
और बकल कैविटी में बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हमको स्टडी करना है। सबसे पहले बकल कैविटी को और किस नाम से जाना जाता है, तो बकल कैविटी को आप ओरल कैविटी भी कहते हैं। बकल कैविटी को हम क्या कहते हैं, ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं, और इसे बको फेरिंजियल कैविटी, बको फेरिंजियल कैविटी यानी मुख ग्रासन गुहा, हिंदी में क्या कहेंगे इसे, इसे मुख गुहा, यह भी ओरल कैविटी यानी मुख गुहा, और इसे हम कह सकते हैं मुख ग्रासन गुहा, क्योंकि बकल कैविटी से ही ग्रसनी क्या होती है, अटैच रहती है, फेरिंग्स अटैच रहती है, तो उसके लिए आप ये वर्ड भी यूज ले सकते हो, बको फेरिंजियल कैविटी, ठीक है ना। अब देखें है क्या, तो मुख के भीतर की ओर उपस्थित जो गुहा है उसी गुहा को हम क्या कहते हैं, बकल कैविटी। और बकल कैविटी में कौन कौन सी संरचनाएं, तो बकल कैविटी में निम्न तीन संरचनाएं पाई जाती हैं। देखिए कौन कौन सी संरचना, एक आ जाता है पैलेट, जिसे आप हिंदी में कहते हैं तालू, है ना। दूसरा आ जाता है आपकी टंग, जिसे हम कहते हैं जिह्वा, और एट लास्ट तीसरा आ जाता है आपका टिथ, जिसे हम कहते हैं दांत, ठीक है ना। कितनी संरचनाएं हुई, तीन संरचनाएं आपको बकल कैविटी में देखने को मिलेगी, पैलेट हो गया, टंग हो गया, टिथ हो गया, तालू, जिह्वा और दांत, है ना। अब देखें कि हमको इन तीनों संरचनाओं को स्टडी करना है, तो तीनों संरचनाओं को स्टडी करने से पहले मैंने एक डायग्राम यहाँ पर बताया है, इस डायग्राम को मैं समझा देता हूँ ताकि ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी ईजी हो जाएंगी। देखें कि ये रहा माउथ, और माउथ अंदर की तरफ जो है इस पोर्शन में खुलता है, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है इसको हम कहते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी में जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, जो दांतों के पीछे का ऊपर का पोर्शन है, दांतों के पीछे का और ऊपर का पोर्शन, यानी जिसे आप क्या कह सकते हैं, मुख गुहा की छत कह सकते हैं, वो आपका पैलेट या तालू का निर्माण करता है। आगे की तरफ होता है कठोर तालू और पीछे की तरफ होता है आपका कोमल तालू, ठीक है ना। अब तालू के पीछे देखें कि ये जो तालू है वो पीछे की तरफ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम यूव्यूला या वेलम पैलेटाई या फिर सामान्य भाषा में कौवा कहते हैं, जो भोजन को नासा मार्ग में जाने से क्या करता है, रोकने का काम करता है। नीचे की तरफ देखें, फर्श पर क्या लगी हुई है, आपकी टंग या जिह्वा जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। ये रहा ऊपर जो है आपका वो नेजल चैम्बर, पूरा का पूरा जो है नासा कोस्ट आप कह सकते हैं ये, और इसी नासा कोस्ट के अंत में एक जोड़ी यूस्टेकियन ट्यूब या यूस्टेकियन नलिका आकर खुलती है, जो किससे संबंधित है, आपके मिडिल ईयर यानी मध्य कर्ण से संबंधित है, जो कर्णपट के दोनों ओर वायु के दबाव को बनाए रखने का काम करती है, बैलेंस रखने का काम करती है, ठीक है ना। और उसके बाद में देखें तो आगे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, ट्रेकिया, जो आपकी श्वास नाल है वो प्रेजेंट होती है, और ट्रेकिया में ऊपर की ओर आपका लेरिंग्स यानी कंठ उपस्थित होता है। इसके पीछे की तरफ होती है ओसोफेगस, तो हमेशा ध्यान में रखें आगे श्वास नली और पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट होती है, पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है ओसोफेगस या ग्रास नाल या ग्रसिका जिसको आप कहते हैं, वो उपस्थित होती है। और यहां पर आप देखो ये जो पोर्शन है ये पूरा फेरिंग्स वाला पोर्शन है, ग्रसनी वाला। इस ग्रसनी को आप तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। देखो जो नेजल चेंबर में खुल रहा है ग्रसनी वाला पोर्शन, उसको आपने कहा नेजोफेरिंग्स। जो आपका बकल कैविटी में खुल रहा है उसको कहा आपने ओरोफेरिंग्स, और जो आपका लैरिंग्स के समीप है उसको आपने कह दिया लैरिंगोफेरिंग्स। तो ये बात तो हम किस में करेंगे, फेरिंग्स वाले पोर्शन में। अभी आपको बकल कैविटी के अंदर वाले जो तीन पोर्शन है उनको स्टडी करना है, जिसमें आ जाता है तालू, जिह्वा और दांत, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, पैलेट की। पैलेट या तालू, पैलेट है क्या, तो पैलेट के बारे में इतना सा ध्यान में रखें, मुख गुहा की छत है ये, क्या है, मुख गुहा की छत, मुख गुहा की छत यानी रूफ ऑफ दी बकल कैविटी। और ये जो तालू है, इस पूरे तालू को आप कितने, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। एक है कठोर तालू और दूसरा है कोमल तालू, ठीक है ना।
एक तो है कठोर तालु और दूसरा क्या है कोमल तालु। अब कठोर तालु की अगर हम बात करें यहाँ पर हार्ड पैलेट की, है ना, ये रहा आपका हार्ड पैलेट और ये रहा आपका सॉफ्ट पैलेट। अब देखिए हार्ड पैलेट के बारे में आपको ध्यान में रखना है क्या, जस्ट बकल कैविटी में जो आपके ऊपर के जबड़े के दांत हैं उन दांत के पीछे आप अपनी टंग ले जाइए और फील कीजिए। आप अपनी जो जीवा है उस जीवा को दांतों से पीछे की तरफ बिल्कुल ऊपर टच करते हुए पीछे ले जाएंगे तो आपको जस्ट दांत के पीछे वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा हार्ड फील होगा, कठोर फील होगा, और उसके और पीछे की तरफ ले जाएंगे तो पीछे का पोर्शन आपका कैसा सॉफ्ट फील होगा। तो सबसे पहली चीज तो आपको यहां पर ध्यान में रखनी है, कठोर तालु किसकी बनी हुई है, मैग्जिला व पैलेटाइन अस्थि, मैग्जिला और पैलेटाइन अस्थि से मिलकर बना होता है कौन, कठोर तालु। जबकि अगर कोमल तालु की बात करें तो कोमल तालु जो है वो आपका संयोजी ऊतक प्लस आपकी जो उपकला है वो और साथ में आपकी जो अनैच्छिक पेशियां हैं उनसे। तो कोमल तालु में तो आपको यहां पर तीन संरचनाएं मिलकर बनाती हैं, संयोजी ऊतक हैं, आपकी श्लेष्मी उपकला या उपकला कह सकते हैं, और अनैच्छिक पेशियां, तीनों मिलकर कोमल तालु का निर्माण कर रही है। जबकि कठोर तालु का निर्माण मैग्जिला और पैलेटाइन अस्थि करती है। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि कठोर तालु में आपको कुछ उभार देखने को मिलते हैं जो डायग्राम में भी मैंने बनाए नीचे की तरफ। देखो यहां पर कि यह हार्ड पैलेट के यहां पर नीचे तरफ आपको थोड़ी सी इस प्रकार की अतिवृद्धियां देखने को मिल रही हैं। इन अतिवृद्धियों को हम कहते हैं पैलेटाइन वालिया, पैलेटाइन वालिया या पैलेटाइन रगी, ठीक है ना, पैलेटाइन वालिया। ये क्या काम करती है, ये मांसाहारी जीवों का लक्षण है भैया, ध्यान में रख लेना। कौन सा लक्षण है, ये कार्निवोरस फीचर है, कार्निवोरस कैरेक्टर है, कार्निवोरस कैरेक्टर में मांसाहारियों का लक्षण है। क्यों, मांसाहारी प्राणी जब किसी अन्य जीव का शिकार करते हैं तो वो शिकार उनके जबड़े से उनकी मुख गुहा से फिसल कर निकल ना जाए इसके लिए उनमें ये पैलेटाइन वालिया या पैलेटाइन रगी उपस्थित होती है, ठीक है ना। एक प्रकार का कार्निवोरस फीचर है जो हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो कहीं ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, कहीं ना कहीं वो मांसाहार का सेवन करते थे या मांसाहारी प्रवृत्ति के थे, तो उसकी वजह से ये फीचर हमारी बॉडी के अंदर भी देखने को मिलता है। उसके बाद में देखिए जो कोमल तालु है उस कोमल तालु के अंदर भी एक आउटग्रोथ प्रेजेंट होती है। तो जस्ट आप देखें कि कोमल तालु में जस्ट बिल्कुल पीछे की तरफ एक अंगुली नुमा प्रवर्ध पाया जाता है जिसको हम सामान्य भाषा में कौवा कहते हैं, कहते ना। तो जो अंगुली नुमा प्रवर्ध है इस अंगुली नुमा प्रवर्ध को यहां पर हम कहते हैं यूव्यूला, किस नाम से जाना जाता है, यूव्यूला, और सामान्य भाषा में हम इसको कहते हैं कौवा। क्या काम करता है, ये भोजन को इस नेजल चैम्बर में जाने से रोकता है, है ना, भोजन के अंश को ये नासा गुहा के अंदर जाने से क्या करता है, रोकता है। कैसे रोकता है, तो देखें कि अगर मैं बात करूं तो ये रही आपकी बकल कैविटी, इस बकल कैविटी के अंदर ये जो आपका आगे वाला पोर्शन है ये हार्ड पैलेट है, पीछे वाला पोर्शन है आपका सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है ना, सॉरी, तो ये हार्ड पैलेट, ये आपका यहाँ पर सॉफ्ट पैलेट। अब देखो क्या होता है कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका कौन सा पोर्शन है, ये आपका है यूव्यूला, यूव्यूला जस्ट पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है, लेकिन आप अभी के लिए मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये रहा आपका सॉफ्ट पैलेट और सॉफ्ट पैलेट के अंत में आपका क्या उपस्थित होता है, यूव्यूला, और इस यूव्यूला के जस्ट पीछे की तरफ यहाँ ये एक छेद उपस्थित है, इस छिद्र को आप क्या कहेंगे, ये है आपका कौन सा वाला छेद, ये है आपका इंटरनल लेयर यानी आंतरिक नासा छिद्र, जहां से मुख गुहा और जो नेजल चैम्बर है वो कनेक्टेड रहता है। अब क्या हुआ, जब भोजन आप निगलते हो तो ये भोजन निगलते समय ये जो आपका यूव्यूला ये इस तरीके से हो जाएगा, और जब ये इस तरीके से हो जाता है इट मीन्स इसके पीछे का जो छेद है वो बंद हो गया, अब भोजन आपका कहाँ चला गया, ग्रसिका के अंदर चला गया। इट मीन्स यूव्यूला के द्वारा
या कौवे के द्वारा भोजन को नासा मार्ग में जाने से क्या किया जाता है, रोका जाता है। तो ये तो थी पहले एलिमेंट की बात, जिसे हमने कहा पैलेट, मुख गुहा की छत। कितने भाग होते हैं? दो भाग, कठोर तालु, कोमल तालु। कठोर तालु कौन सी अस्थियों का बना हुआ है? मैक्सिला और पैलेटाइन अस्थि का बना हुआ होता है, ठीक है ना। जो कठोर तालु है उसमें पैलेटाइन वालिया के रूप में अतिवृद्धियाँ या आउटग्रोथ उपस्थित या प्रोजेक्शन उपस्थित होते हैं, जो एक कार्निवोरस फीचर है, मांसाहारियों का लक्षण है। कोमल तालु की बात करें तो संयोजी उत्तक, उपकला और अनैच्छिक पेशियों से मिलकर बना हुआ होता है, और इसमें भी एक प्रवर्ध, अंगुली नुमा प्रवर्ध पाया जाता है, जिसको हम युगुला या कौवे के नाम से जानते हैं। तो ये इतनी सी बात आपको किसके बारे में ध्यान में रखनी है? पैलेट के बारे में, या जो है तालु के बारे में ध्यान में रखनी है। मुख गुहा की दूसरी संरचना आ जाती है आपके टंग या जीवा। देखिए, जीवा या जिसे हम जीभ कहते हैं, एक प्रकार की पेशीय संरचना है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है ना, पेशियों से मिलकर बनी हुई है, पेशीय संरचना है। काफी ज्यादा सॉफ्ट या स्मूथ या कोमल आप कह सकते हैं, है ना, कोमल व लचीली संरचना है, ताकि वो पूरी मुख गुहा में आसानी से क्या कर सके, घूम सके, ठीक है। तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है यहां पर कि जिह्वा कहाँ प्रेजेंट होती है या जिह्वा कहाँ से अटैच रहती है। तो ध्यान में रखें, ये आपकी मुख गुहा की जो फर्श है, मुख गुहा की फर्श जो है, या फर्श जो है, या सतह आप कह सकते हैं, फर्श से जुड़ी रहती है। किसके माध्यम से जुड़ी रहती है? कोई ना कोई अटैचमेंट स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखें, मुख गुहा की फर्श से एक झिल्ली, एक पतली झिल्ली के माध्यम से अटैच रहती है, जिसे कहते हैं फ्रेनुलम लिंग्वी। फ्रेनुलम लिंग्वी, तो आप हिंदी में भी इसको इसी प्रकार से लिख लें, फ्रेनुलम, फ्रेनुलम लिंग्वी द्वारा ये मुख गुहा की फर्श से क्या रहती है, अटैच रहती है। और मुख गुहा की फर्श में इसको बेस कौन बनाता है, या इसके लिए आधार का निर्माण कौन करता है? तो आधार का निर्माण यहां पर करता है हाइओइड बोन। आधार का निर्माण कौन करता है? एक हाइओइड अस्थि करती है, हाइओइड अस्थि करती है। अब ये जो अस्थि है, इसके बारे में एक फीचर आप ध्यान में रखें, वैसे तो ये स्केलेटल सिस्टम वाले चैप्टर में आएगा, हाइओइड बोन या हाइओइड अस्थि एकमात्र अस्थि है, हमारे शरीर की एकमात्र अस्थि जो किसी अन्य अस्थि से जुड़ाव नहीं करती है, नहीं करती है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जिह्वा एक पेशीय संरचना है, कोमल व लचीली संरचना है, और मुख गुहा की फर्श से अटैच रहती है, यानी मुख गुहा की फर्श पर उपस्थित होती है। कौन सी संरचना के द्वारा? तो फ्रेनुलम लिंग्वी एक मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है, ठीक है ना, ये कोई बोन या ये पेशी नहीं है, ये केवल और केवल एक मेम्ब्रेन है, फ्रेनुलम लिंग्वी, इसके माध्यम से ये फर्श से अटैच रहती है। और इसको आधार कौन उपलब्ध करवाता है? तो ये हाइओइड बोन उपलब्ध करवाती है। हमारी बॉडी में हाइओइड बोन की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान में रखें, ये हाइओइड बोन एक सिंगल होती है। कितनी होती है? सिंगल होती है, जो आपकी कह सकते हो मुख गुहा की फर्श का निर्माण भी करने में सहायक होती हैं। तो ध्यान में रखें, हाइओइड बोन से अटैच रहती है। अब देखें, मुख गुहा के अंदर स्वाद को पहचानने वाली क्या प्रेजेंट होती है? स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती है, लेकिन वो स्वाद कलिकाएं उभारों के अंदर, कुछ विशिष्ट उभार में पाई जाती है। तो ध्यान में रखें, जिह्वा में कुछ उभार पाए जाते हैं, और इन उभारों को हम कहते हैं पैपिली, और इन पैपिली के अंदर भी कुछ विशिष्ट होती है, जिनको टेस्ट पैपिली कहते हैं,
और टेस्ट पैपिली जो है वही किसके लिए, स्वाद के ज्ञान के लिए उत्तरदायी होती हैं। यानी सभी पैपिली के अंदर स्वाद कलिकाएं उपस्थित नहीं होती, केवल और केवल टेस्ट पैपिली में स्वाद कलिकाएं ना टेस्ट बड उपस्थित होती हैं। और ये टेस्ट बड कौन कौन से स्वाद का ज्ञान करवाती हैं, तो देखें कौन कौन से, ये मीठे स्वाद का ज्ञान करवाती हैं, ये खट्टे स्वाद का ज्ञान करवाती हैं, ये कड़वे स्वाद का ज्ञान करवाती हैं, और ये नमकीन स्वाद का ज्ञान करवाती हैं। कितनी तरह के स्वाद हुए, मीठा, खट्टा, कड़वा और नमकीन, जिसमें मीठा जो है वो आपका अग्रभाग जो होता है वो मीठे स्वाद का ज्ञान करवाता है, सबसे पीछे का जो भाग है वो पश्च भाग वो कड़वे स्वाद का ज्ञान करवाता है, और जो मध्य का भाग है वो खट्टे स्वाद का, और जो किनारे का भाग है वो आपका कुछ नमकीन स्वाद का क्या करवाते हैं, ज्ञान करवाते हैं। तो यहाँ पर जो टेस्ट पैपिली है वो इन भागों में पाई जाती हैं। अब आती है बात तीखेपन की, मिर्च का जो तीखापन है क्या उसके लिए स्वाद कलिकाएं नहीं होती हैं? तो ध्यान में रखें, जिह्वा में तीखेपन के लिए कोई स्वाद कलिकाएं नहीं होती हैं, यह एक प्रकार की संवेदना मात्र है। हमारी बॉडी के अंदर जो तीखापन जो हमें लगता है मिर्च से, वो एक प्रकार की क्या है, संवेदना, एक तकलीफ़ है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है ना, कोई स्वाद नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई स्वाद कलिकाएं उपस्थित नहीं होती है। एक बात तो ये, उसके बाद में बात करें हम कि यहाँ पर फंक्शन, कि टंग के फंक्शन क्या क्या है भाई, है ना, कार्य क्या क्या है। तो पहला कार्य तो हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया, ये रहा स्वाद का ज्ञान, स्वाद का ज्ञान करवाने का। दूसरा आ जाता है भोजन को चबाने में सहायक, भोजन को चबाने में सहायता करती है। तीसरा, लार को भोजन के साथ मिश्रित करके और किसका निर्माण, बोलस का निर्माण करने में। और चौथा, बोलने में भी जिह्वा का महत्वपूर्ण जो है योगदान होता है, तो बोलने में सहायक। तो कुछ ये आपको तीन चार फंक्शन जिह्वा के ध्यान में रखने हैं। ये थी बात किसकी, दूसरे एलिमेंट टंग की बात। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा जो संरचना है आपकी टिथ या दांत के बारे में। नेक्स्ट तीसरी संरचना आ जाती है मुख गुहा की, दांत या टिथ। अब देखें बकल कैविटी में जो दांत हैं वो किसके बने हुए होते हैं, तो आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट के बने हुए होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ध्यान में रखें, कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फास्फेट के बने हुए होते हैं, ठीक है, दो चीज़। उसके बाद में दांत की संरचना हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम मानव की मुख गुहा में जो दांत उपस्थित होते हैं उनकी विशेषता की बात करेंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं यहाँ पर पाई जाती हैं। तो देखें मानव में दांत की तीन विशेषताएं आपको देखने को मिलती हैं, मानव को गर्त दंती, मानव को विषम दंती और मानव को द्विबार दंती के नाम से जाना जाता है। ये तीन नाम से, एक है गर्त दंती, दूसरा विषम दंती और तीसरा द्विबार दंती, ये तीनों टर्म्स आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। देखें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थीकोडोंट, ठीक है ना, थीकोडोंट को हम कहते हैं गर्त दंती। अब देखें सिंपल सा मतलब है, गर्त का मतलब आपको पता है गड्ढा और दंती का मतलब होता है दांत, यानी सीधा सा कि दांत का रिलेशन कहीं ना कहीं गड्ढे से है। मैं सिंपल सा एक लाइन में आपको बता देता हूँ थीकोडोंट का मतलब, कि जब दांत जबड़े की अस्थि के सॉकेट या गड्ढों में धंसे होते हैं,
हमारे जो जबड़े की अस्थियां हैं, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा, इनकी अस्थियों के अंदर छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं, गड्ढे प्रेजेंट होते हैं, और जो दांत हैं वो उन गड्ढों के अंदर धसे हुए रहते हैं। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था क्या कहलाती है, गर्त दंती कहलाती है। तो इसीलिए मानव को क्या कहते हैं, गर्त दंती कहते हैं। दूसरे प्रकार की व्यवस्था जिसको हम बोलते हैं हेटेरोडोंट। हेटेरो का मतलब आपको पता, होमो का मतलब समान और हेटेरो का मतलब अलग अलग प्रकार के, विषम प्रकार के, और डोंट का मतलब यहाँ पर आ गया दांत से संबंधित, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के दांतों की उपस्थिति। यानी सारे दांत जो है वो समान प्रकार के नहीं होते हैं, तो आप बता सकते हैं भिन्न प्रकार के दांत उपस्थित होते हैं। अब ये भिन्न प्रकार यानी कितने प्रकार के दांत हैं, तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर चार प्रकार के दांत। कितने प्रकार के, चार प्रकार के दांत मानव की मुख गुहा में पाए जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है ना। हिंदी में हम कहते हैं कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कितने प्रकार के दांत हो गए भाई, चार प्रकार के दांत हुए, कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। जो कृतनक है वो भोजन को काटने का कार्य करते हैं, रदनक जो है वो भोजन को चीरने या फाड़ने का कार्य करते हैं, अग्रचवर्णक और चवर्णक जो है वो भोजन को चबाने का काम करते हैं। तो सिंपल से इनके सबसे पहले फंक्शन आपको पता होने चाहिए और प्रकार, प्रकार कितने हैं, चार, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हिंदी में नाम कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। काम क्या है, कृतनक का काम भोजन को काटने का, रदनक का रदन करना यानी चीरना और फाड़ना, और चवर्णक जो है आपके अग्रचवर्णक और चवर्णक दोनों का काम है भोजन को चबाने का, है ना। तो यानी यहाँ पर कितने प्रकार के दांत हो गए, चार प्रकार के दांत। अब यहीं से आप ध्यान में रखें कि जो डेंटल फॉर्मूला है वो इन्हीं से बनता है, डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र जिसको कहते हैं। दंत सूत्र कैसे बनता है वो आप यहाँ पर ध्यान में रख लेंगे कि ऊपरी आधे जबड़े में, ऊपरी आधा जबड़ा, और ये हो गया आपका नीचे का आधा जबड़ा, ठीक है ना, इस तरीके से बताएंगे। तो आप कैसे बताएं, देखो कि यहां पर बताते हैं 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। तो क्या हो गया, ये ऊपरी आधे जबड़े की व्यवस्था ये रही, नीचे की आधे जबड़े की व्यवस्था ये रही, और 2 1 2 3 क्या है, ये सीक्वेंस ICPM और M, ऐसे ध्यान में रख लेना आप। तो यानी आपके दो जो हैं वो ऊपर के आधे जबड़े में इंसाइजर है, फिर कैनाइन है, फिर प्रीमोलर है और फिर मोलर है। इसी प्रकार से ये इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इसको ऐसे समझना। ऊपर का आधा जबड़ा यानी यहां से आधा हो गया पोर्शन, अब इस आधे जबड़े के अंदर यहां पर इस वाले पोर्शन में जो दांत की व्यवस्था है वो है 2 1 2 3। दो क्या है इंसाइजर, एक क्या है कैनाइन, फिर दो प्रीमोलर और फिर तीन मोलर। इसी प्रकार से नीचे के आधे जबड़े में क्या हो गया 2 1 2 3, दो इंसाइजर, एक कैनाइन, दो प्रीमोलर और तीन मोलर। तो यानी ये आधी व्यवस्था हो गई, आधी बिल्कुल क्या होगी, सेम होगी इसके जैसी। तो अपने को टोटल नंबर ऑफ टीथ काउंट करना है और उसकी व्यवस्था बतानी। तो देखें ऊपर के आधे जबड़े में 2 1 2 3 यानी टोटल कितना हो गया 8, और नीचे वाले में भी कितना हो गया 8, इंटू 8 और 8 16 तो हो गए, इंटू 2 करोगे तो आपको नंबर ऑफ टीथ मिलेंगे 32। यानी एक वयस्क मनुष्य के अंदर दांतों की व्यवस्था क्या होती है अगर आपको पूछ ले तो आपको ये बताना है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2, नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए आपके 32 हो गए। समझ में आई बात। तो ये थी बात किसकी, हेटेरोडोंट की। विषम प्रकार के दांत हैं, चार प्रकार के आपको दांत दिख रहे हैं, और ये मैंने बात कर ली है डेंटल फॉर्मूले की। तीसरा पॉइंट आ जाता है यहां,
तीसरी व्यवस्था आ जाती है आपकी दांत के बारे में, तीसरी विशेषता द्विवार दंती, डाइफायोडोंट, द्विबार दंती। मानव में कितनी बार दांत आते हैं? अपने संपूर्ण जीवन काल में दो बार दांत आते हैं, एक जिनको आप बोलते हो दूध के दांत और दूसरी बार जिनको आप बोलते हो स्थाई दांत, है ना। तो इसीलिए हमने क्या कहा, द्विबार दंती। तो द्विबार दंती का मतलब जब किसी जीव में संपूर्ण जीवन काल में दो बार दांत आते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विबार दंती। और जब किसी जीव के अंदर केवल संपूर्ण जीवन काल में एक ही बार दांत आते हैं तो उन्हें एक बार दंती या मोनोफायोडोंट के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर जो प्रथम बार आते हैं उनको हम बोलते हैं मिल्की टिथ, मिल्की टिथ, दूध के दांत कह सकते हैं, या अस्थाई दांत भी आप इनको कह सकते हैं, अस्थाई दांत, ठीक है ना, अस्थाई दांत। और दूसरी बार जो आते हैं जिनको हम कहते हैं परमानेंट टिथ, परमानेंट टिथ, जिनको अपन कह सकते हैं हिंदी में स्थाई दांत, ठीक है। अब देखें, मैं और कुछ नहीं, मैं सीधा आपको यहाँ पर डेंटल फॉर्मूला बता देता हूँ, उसमें सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, संख्या भी क्लियर हो जाएगी और प्रकार भी क्लियर हो जाएंगे। कैसे, देखें, इसका जो डेंटल फॉर्मूला है वो 2102/2102 होता है और स्थाई दांत का होता है 2123/2123। पता चल गया होगा आपको। यहाँ पर हम ऊपरी आधे जबड़े में जो दांतों की व्यवस्था देखते हैं वो है 2102/2102, ऊपर के आधे जबड़े में, नीचे के आधे जबड़े में। इट मीन्स दो इंसाइजर है, दो क्या है, इंसाइजर, एक है कैनाइन, प्री मोलर एब्सेंट है और मोलर जो है वो ऊपरी में दो है और नीचे वाले में भी दो है। तो अगर आप टोटल काउंट करें तो 2 और 1 3 2 5, पांच ऊपर के आधे जबड़े में, पांच नीचे के आधे जबड़े में, तो टोटल कितने हुए, 10। और 10 को दूसरे से आप मल्टीप्लाई करोगे, इस वाले आधे वाले पोर्शन में भी तो होंगे ना सेम, तो कितना हो जाएगा टोटल, कुल दांतों की संख्या यहां पर हो जाएगी आपकी केवल और केवल 20। कितनी हो जाएंगी, 20। जबकि परमानेंट टिथ में ये रहा आपका फॉर्मूला, इसको आप 2 से गुणा करोगे तो यहां पर हो जाएंगे 32। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि मानव में मोनोफायोडोंट प्रकार के कौन से दांत होते हैं, यानी जो जीवन में केवल और केवल एक बार आते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं आपके प्री मोलर और मोलर। संख्या पूछ ले कि प्री मोलर कितने होते हैं जो केवल एक बार आते हैं, तो ये सारे प्री मोलर जो हैं वो एक बार आते हैं, तो टोटल कितने होंगे, 2 और 2 4 और 4 × 2 2, यानी टोटल 8 प्री मोलर दांत मोनोफायोडोंट प्रकार के होते हैं, यानी जो जीवन में एक बार आते हैं। और यहाँ पर मोलर देखो, मोलर यहाँ पर 2 और 2 4 और 4 8 ही हैं, जबकि यहाँ पर कितने, 12, तो यानी कितने हो गए, 4 मोलर दांत और 8 जो हैं वो प्री मोलर दांत, तो टोटल कितने हो गए, 8 और 4 12 दांत। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 8 जो हैं वो प्री मोलर प्लस 4 जो हैं वो मोलर, ये कौन से होते हैं, ये होते हैं मोनोफायोडोंट, और इनके अलावा सारे के सारे जो हैं वो कैसे होंगे, वो होंगे आपके डाइफायोडोंट। तो मनुष्य के अपने संपूर्ण जीवन काल में दो बार दांत आते हैं, मिल्की टिथ, अस्थाई दांत, जो आकर और 8 से 10 साल की उम्र में क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, पुनः आते हैं जिनको हम कहते हैं स्थाई दांत, परमानेंट टिथ। संख्या कितनी होती है, मिल्की टिथ की होती है 20, परमानेंट की कितनी होती है, 32। मिल्की टिथ में कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो इंसाइजर होता है, कैनाइन होता है और मोलर होता है, प्री मोलर बिल्कुल एब्सेंट होते हैं, जबकि स्थाई दांत में चारों प्रकार के आपको दांत देखने को मिलते हैं। इनमें भी मोनोफायोडोंट प्रकार के कौन से, यानी जीवन में जो एक बार ही आते हैं, तो एक बार कौन से आते हैं, 8 तो प्री मोलर आते हैं एक बार, और 4 मोलर आते हैं, तो 8 और 4 12, तो 20 और 12 जोड़ोगे तो आपको कितने मिल जाएगा, 32 मिल जाएगा। तो ये 3 आपके यहाँ पर बकल कैविटी के एलिमेंट आपने स्टडी किए हैं, कौन कौन से, एक पैलेट, एक जीवा और दांतों के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम दांत का जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करेंगे।